बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, जाने कौन करेगा कप्तानी और विकेट कीपिंग। भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी स्क्वाड ऐलान कर दिया है। आगामी मुकाबले में भी पहले वाली ही टीम शिरकत करेगी। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए कमेंट करते हुए बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इससे आपका कुछ नहीं जाता और हमारा हौसला बढ़ता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चेन्नई टेस्ट फतह करने के बाद टीम इंडिया का बांग्लादेश के साथ दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कानपुर में है। आगामी मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम इसी स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगी, यानी दूसरे मुकाबले में भी टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। इसके अलावा विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर रहेगी। दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत। विकेट कीपर: ध्रुव जुरेल। विकेट कीपर: रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। जारी सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच चेन्नई में खेला गया, जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। मैच के दौरान ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का जलवा रहा। उन्होंने शतकीय पारी के साथ दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। यही नहीं, मैच के दौरान युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शतक लगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा के बल्ले से अर्धशतक देखने को मिला। जडेजा ने मुकाबले के दौरान दोनों पारियों में मिलाकर कुल 5 विकेट भी चटकाए। यही नहीं, इन गेंदबाजों के अलावा बुमराह, सिराज और दीप का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा।